हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये वीडियो समीक्षा पब्लिकेशन के सहयोग से आप सभी के सामने रोज सुबह करंट अफेयर लेके प्रस्तुत होता है। चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं 26 नवंबर 2018 का करंट अफेयर, 25 नवंबर इसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मतलब कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा का को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। इस साल जो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे जो है इंटरनेशनल, उसकी थीम थी ऑरेंज द वर्ल्ड हेयर हैशटैग हेयर मी टू। तो ऑरेंज द वर्ल्ड हैशटैग हेयर मी टू, ये आपको याद रखना है, इस साल की थीम थी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय क्रेडिट कॉर्प्स ने अपनी 70वें वर्षगांठ दिवस का जश्न मनाया। तो दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी संगठन से कि 70 साल कंप्लीट कर लिए, तो वो है एनसीसी। एनसीसी ने पूरे 70 साल कंप्लीट करे हाल ही में। और बस ठीक है। अजीम प्रेम जी कौन है? ये है चेयरमैन है विप्रो के चेयरमैन है। और इनको फोर्ब्स में जो इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018 है उसमें इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। विप्रो जो है वो इंडिया की चौथी बिगेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है, साथ ही साथ बाय रेवेन्यू। और साथ ही साथ अजीम जो प्रेम जी है वो सेकंड रिचेस्ट इंडियन है पूरे इंडिया में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है कप 2018 वो 28 नवंबर टू 16 दिसंबर होगा। कहाँ पर होगा? कलिंग हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर। तो हमें याद रखना है कलिंग हॉकी स्टेडियम का भुवनेश्वर में। इसमें क्या होने वाला है? मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में होगा। इसमें ये जो कंट्रीज हैं, 16 कंट्रीज टोटल पार्टिसिपेट कर रही हैं, 16 टीम्स जो कि है अर्जेंटीना, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, इंडिया, स्पेन, कनाडा, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, आयरलैंड, मलेशिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो हमें याद रखना है कि 16 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है। कहाँ हो रहा है ये? भुवनेश्वर के कलिंग हॉकी स्टेडियम में हो रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फेफड़े हेल्थ बिल पर 50वां संघ विश्व सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। इस क्षेत्र में काम कर रहे एक वैश्विक संगठन, कौन सा विश्व संगठन? इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संघ क्षय रोग एवं फेफड़े रोगाणु रोधी खिलाफ। ये जो संस्था है, मतलब कि इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिस्ट्रेस। ये जो संस्था है इसने ये अनाउंस किया है कि जो लंग्स हेल्थ विल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होगी वो हैदराबाद में होगी। 15th जो कॉन्फ्रेंस होगी ये, और अक्टूबर 2019 में इंडिया में होगी। तो याद रखना, जब होगी तब हम इसको और अच्छे से। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पॉपुलर इंडियन सिंगर नाहिद अफरीन, कहाँ की है? जो असम से है, हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट यूथ एडवोकेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बाय यूनिसेफ टू फाइट फॉर द चाइल्ड राइट। द यूनिसेफ एंगेजेस यूथ एडवोकेट्स टू हार्नेस देयर वॉइस एज एजेंट ऑफ द चेंज इन द सोसाइटी। तो जो असम की लोकप्रिय गायक है नाहिदा अफरीन, इनको बाल अधिकारी के रूप में जो है वो बच्चों से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं उनके लिए लड़ने के लिए युवा वकील के रूप में यूनिसेफ ने नियुक्त किया। ये जो है नाहिदा अफरीन, ये
असम से एक लोकप्रिय गायक है, हमें इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज उसे देखते हैं, इंटरनेशनल जो स्टेडियम है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, एक ना इंटरनेशनल स्टेडियम जो अभी हाल ही में लखनऊ में बन के तैयार हुआ है, एक ना इंटरनेशनल स्टेडियम, उसका नाम बदल के हम करने वाले हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो दोस्तों हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एक ना स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम है वो कहाँ पर है, वो हमारा लखनऊ में। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो ये किससे रिलेटेड स्टेडियम है, ये क्रिकेट रिलेटेड स्टेडियम है, इसका जो नाम बदल रहा है वो है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो आपको पता ही होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो अभी हाल ही में से उनकी डेथ हुई, तो उसको ले उनको सम्मान देने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और न्यूज है अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड, जो देहरादून एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के वाजपेयी जी के नाम से रख दिया जाएगा। ये भी एक न्यूज है जो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि देहरादून एयरपोर्ट का नाम जो हो जाएगा वो प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से होगा। दोस्तों हम देखते हैं कि इन बहुत सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जो हमारे क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो हम वो देख लेते हैं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये वाला एयरपोर्ट कहाँ है, क्योंकि वो नाम से नहीं होते, वो तो किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम से रिलेटेड होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पोर्ट ब्लेयर में है, मतलब अंडमान निकोबार। विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विशाखापट्टनम में है, मतलब कि तमिलनाडु में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैदराबाद में है, मतलब कि तेलंगाना में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये न्यू दिल्ली, पता ही होगा शायद आपको, बहुत बड़ा स्टेडियम, बहुत बिजी है बहुत। और गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेडियम में ये है होल स्टेट उधर है वीर सा मतलब गोवा में ही होल स्टेट गोवा में। वीर सावरकर सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अहमदाबाद में है। कैंपेक गोपडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलुरु में है। और मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये तो मैंगलोर में ही होगा। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि में। अरे हाँ, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज, जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये पूरा जो एयरपोर्ट है वो सिर्फ सोलर एनर्जी पे, ये सिर्फ सोलर एनर्जी पे चलने वाला एयरपोर्ट है, तो ये याद रखने के इम्पोर्टेंट होता है। कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कोझीकोड में है, वैसे कोझीकोड का पुराना नाम कैलीकट था। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये फिर त्रिवेंद्रमपुरम में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हमारा मुंबई में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हमारा नागपुर में है। तुलीहल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये इम्फाल में है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भुवनेश्वर में, हम सब जानते, आपको पता ही होगा बीजू पटनायक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर थे, और जो अभी ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक, ये उनके बेटे हैं बीजू पटनायक के। नेक्स्ट देखते हैं हम ये श्री गुरुदास दासी जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अमृतसर में है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर में है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है। कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोयम्बटूर में है। त्रिचुरीपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्रिचुरीपल्ली में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ में, इसको याद रखना दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये वाराणसी में है, इसको भी याद रखिएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता में है। तो हमें ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स याद रखने हैं, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसको क्लिक कर सकते। ये एक न्यूज है कि ओडिशा अभी हाल फिलहाल में उसने ट्राइबल लैंग्वेज पे एक बुक रिलीज किया, सो दैट कि जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जितनी भी जनजातियां होती हैं उनकी जो भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं आज के समाज में गायब होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, वो लोग खुद अपनी भाषाओं को नहीं बोल रहे, तो उसके लिए ओडिशा की अच्छी पहल है कि उन्होंने इसको एक बुक का फॉर्म देके ना प्रिजर्व करने को ट्राई किया।
नेक्स्ट न्यूज है कि अपोलो टायर्स जो कंपनी है उसने सचिन तेंदुलकर को उनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। थैंक यू फ्रेंड्स लास्ट तक ये वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ मैं हर रोज आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ जिससे कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव सारी न्यूज कवर कर सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।